बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानू ले चलती हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। कृषि बिल को लेकर किसानों का चल रहा आंदोलन तूड़ पकड़ता जा रहा है। किसानों के चल रहे इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेसियों ने आज झांसी में घंटा और शंख बजाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए वह जब वर्तमान सांसद और विधायक के आवास पर जा रहे थे तो पुलिस ने बीच रास्ते पर उन्हें रोक लिया और जबरन गिरफ्तार कर थाने ले गए। आपको बताते चले, किसान दिवस के अवसर पर आज झांसी में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ के नेतृत्व में कांग्रेसी एकत्रित हुए। इसके बाद जीवन सा तिराहे से हाथों में घंटा और शंख लेकर बजाते हुए प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करते हुए जब सांसद और विधायक के आवास की ओर निकले तो उन्हें रास्ते में पुलिस ने रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अरविंद वशिष्ठ ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती पर सोई हुई सरकार को जगाने के लिए सांसद और विधायक के आवास पर जा रहे थे, लेकिन हमारे इस आंदोलन को दबाया जा रहा है। हम किसानों के समर्थन में हैं। कृषि बिल को लेकर किसान सड़कों पर हैं। पंजाब के संत ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि वह किसानों का दुख दर्द सहन नहीं करेंगे। उसी को लेकर आज हम लोग सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोकते हुए जबरन गिरफ्तार कर लिया गया है। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। देखिए, आज चौधरी चरण सिंह जो हमारे किसान नेता हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती पर आज हम सोई हुई सरकार को जगाने के लिए यहाँ से सांसद आवास और विधायक आवास जा रहे थे, लेकिन हमारे इस आंदोलन को जबरदस्ती दबाया जा रहा है। हम किसानों के समर्थन में हैं और जो 3 विधेयक पास हुए हैं निश्चित रूप से उसको लेकर किसान सड़कों पर है। और हमारे ये बड़े संत ने, पंजाब के संत थे, उन्होंने गोली मारकर सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि किसानों का वो दुख दर्द सहन नहीं करेंगे। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग सोई हुई सरकार को जगाने जा रहे थे, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ गांधीवादी नेता राजेंद्र रेजा जी, जितेंद्र भदौरिया जी, हैदर अली, हमारे अल्पसंख्यक फारूक शेख जी, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद मंसूरी और हमारे तमाम साथी सुदिन श्रीवास, प्रकाश राय सहित तमाम साथियों को यहाँ पर जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोगों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। और जोर जुरम की टक्कर में हम लोग संघर्ष निश्चित रूप से करते हैं।